रमेश को सीएम तो अगर बने तो पायलट बने। गहलोत तो नील है, नील नील बटा नील। डिगाल गांव से 70% वोट बीजेपी का है। अब बोलो 70% आकर डिगाल में गिराने 18 बीघा नाम करवा दूं मैं। अच्छा। मैं कहूंगा उस साला के लिए एक भी को दे दे तो 18 बीघा क्या कि पहले आया पूछो आने डिगाल में कितना वोट आए बीजेपी का। अच्छा तो ये योजना ले रहे हैं 10-10 योजना ले रहे हैं, बिजली फ्री है वो। अरे पूछड़ तंग की लाए बिजली दी तो कोनी के फ्री बिजली दी के बिजली बराबर को नहीं। हाँ जी बताओ। अरे कोई योगी शहर को सीएम बना देना बात बने जना बात बने। हाँ राम राम जी नमस्कार। मैं अरुण थे देख रहा हूँ जलको झुंझुनू और आज मैं पूछ रहा हूँ झुंझुनू का एक गांव है डिगाल गांव और झुंझुनू की तरफ सफा जाऊँ तो नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को पहलो यो गांव है तो आज आप पूरा पूछा हाँ और जानने की कोशिश कराँगा कि नवलगढ़ को जो है वो ये बार विधानसभा चुनाव लेके के माहौल है। वर्तमान ऊर्जा का विधायक ही राजकुमार जी कांग्रेस है और अभी आप पता कराँगा कि आगे जो है वो किन टिकट मिल सके है और की को जो माहौल है वो बढ़तो दिखाई दे रहे हो खास तौर पर और नवलगढ़ की बात करा। हाँ जी राम राम। राम राम भाई राम। अब क्या नवलगढ़ विधानसभा के माहौल ला रहे हो किन टिकट मिलेगी कौन जीत तो लाग रहे हो थाने? अब टिकट को तो भाई अगला जाना है मानने के भी रोपड़े कौन से देगा के देगा तो थाने कोई चौखो लागे भी नहीं तो मिलेगी हर कोई मिल जाएगी वोट कौन देगो यार मार लो चौखो लागे एक लोग होकर तो ऊपर ला देगा मार लो चौखो लागे तो मैं ही लड़ा क्यों भाई काड़ू अपन मार लो चौखो कह लागे वो भाई देखो मन में तो बीजेपी की है और बाकी कांग्रेस को आ जा तो आ जा भाई संभावना बीजेपी की है संभावना बीजेपी की है मन में बीजेपी की है बिल्कुल मन में बीजेपी की है के कारण है कारण क्या है गहलोत की सरकार भ्रष्ट सरकार है या कोई क्या हो सत्यानाश को नहीं कर दियो। अच्छा कितनी परीक्षा करवाई का पेपर लीक होना और हर जगह गुंडागर्दी काम थोड़ा ही कर रहे अभी तो ये योजना ले रहे हैं 10-10 योजना ले रहे हैं बिजली फ्री है वो। अरे पूछड़ तंग की लाए बिजली दी तो कोनी के फ्री बिजली दी के बिजली नहीं यार अच्छी बात कर रहे हो तो लोग तो दुखी हो रहे हैं दी कटे बिजली फ्री आपे ही होगी आवे ही को ना फ्री है वा दो कितना थारा चलो इच्छा बीजेपी की है दो की बीजेपी से मुख्यमंत्री पद को दावेदार कौन है मुख्य मारे लेवल के ऊपर की बात है या कौन है मुख्यमंत्री को दावेदार बीजेपी में अपन कौन बेरो अब मारे लेवल की बात है क्या मान तो वोट की तो भूस को होते अच्छा। तो ऊपर का मामला ही अब जाने कि न के बनाऊंगा के करूंगा सही बात है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ जी बताओ। अरे कोई योगी शहर को सीएम बना देना बात बने बात तो वो कौन है यहाँ को योगी शहर को आवे ने जना है जो गुंडा गर्दी बदमाशी रे काम दाम को नहीं करे रिश्वत सगी दाम बांध दे कौन मैं तो कांग्रेस आदमी है कांग्रेस में वोट दूंगा कौन है दमदार कांग्रेस में हाँ दमदार राजकुमार है 1100 वोट आया पहले 1300 आऊंगा आपको 1300 आऊंगा पूरा जोड़ जोड़ के बैठा जोड़ के बता दिया 1300 वोट अगले परिगण रखेंगे डिगाल में 2400 वोट है अच्छा 1800 वोट पोल होगा पूरा ये फिर चुनाव तो अभी टाइम तो पूरा आंकड़ा काट दिया पूरे आंकड़ों ही काट दिया थाने बता दिए पूरे आंकड़ों ही काट दिया पूरे काट दियो बीजेपी ने कितना मिलेगा बीजेपी ने 200 वोट मिल जाएगा ना काड़ू और शहर का 200 देंगे आप 200 वोट मेरा भाई कांग्रेस को सीएम तो अगर बने तो पायलट बना है। गहलोत तो नील है नील नील बटा नील पायलट ठीक है फिर मैं विरोध को नहीं करा ताऊ जी देखेंगे 200 वोट मिलेगा बीजेपी में कितनी दम लगा था बात में बीजेपी का मतलब 1400 वोट कांग्रेस का ही डिगाल 200 बीजेपी का ही डिगाल गांव से 70% वोट बीजेपी का ही। अब बोलो डिगाल में कितना वोट आए बीजेपी का 70% बीजेपी का 70% वोट आए कौन जमीन 18 बीघा नाम करवा दूंगा आगे नाम करवा दूँ 70% गया और वादा करें ना कौन दो ना घर रखो तो कौन है हमारा आदमी है कई बार घंटा ताई बसा को वेट करा और जब बस आओ तो पता चला कि बीक अंदर सीट को नहीं तो बहुत जोर को धोखा और किसो को जब अपन पहले बिरो पड़ जा कि बस जगह को टाइमिंग की है और सीट जगह बीक अंदर खाली को नहीं
अपनी बस ऐप लेके आया है। यदि कि अपनी समस्या निजात बिल्कुल आप मिल गो अपनी बस ऐप के अंदर आपनों कठियापन जानो अभी के अंदर डालो और शेड्यूल बसा को भी के अंदर सीट खाली या नहीं कंफर्म भी नाफा कर सका। हाँ कुछ ही करना है, जानो है प्ले स्टोर ऐप के ऊपर टाइप करना है अपनी बस और थाने पूरी डिटेल मिल जाएगी। बिल्कुल सस्ती दरा के ऊपर टिकट है और आपका सफर न बनाओ बिल्कुल मजेदार। अरे कितनी परीक्षाओं की सका पेपर लीक करा दिया, इंतजाम ले ले तो पूछो बोर्ड क्या दी बस ए बोर्ड तो है तो अबा का चमचा ही एक एक ही दे लो आया बुद्ध आने डिगाल में गेला कितना वोट आया बीजेपी अभी कड़े ना हो या बताओ 70% ये था उसी बताया के बात नहीं थी आके पेपर देनी हो कोना कोई पेपर देनी हो कोनी कोई ना जना के मतलब आने आन पेपर को मतलब कोने है। अरे मैं बताऊं बीजेपी की पोजीशन अच्छी जल्दी होगी अगर बी का बीजेपी का जो परंपरागत वोट है आज जो पदाधिकारी बनया बैठे हैं बस सारा बीजेपी का साग हो जाओ बीजेपी ना रावणियों को ना। अच्छा लेकिन मैं अंत पंत राजकुमार के साग आऊंगा तो सरा का दोनों सरा का वोट ही राजकुमार ले जाओ बाऊ भी की जीत हो तकड़ी और बस सीधी सी बात है ज्यादा क्या ले बोलो के बता रहा गहलोत कौन बने गहलोत जी क्या कर बने बिकी उम्र ज्यादा होगी 70 साल से ऊपर चुनाव कौन लड़ सके। अच्छा हाँ तब किन बनाओगे पायलट बनो कोई पायलट बनाओगा गेल्डी पर क्या बनायो गेल्डी पर हमारी चल रही होनी मैं तो वोट दिया आपका चल रही हाँ चलेगी चलेगी जनता न चले 18 बीघा सटा दोगे हो ये 18 बीघा हाथ में लिया नहीं कोई बात उनकी नहीं चलेगी तो सटा देगा मैंने क्या बता रहे हो किधर है लेट में केंद्र में ले जाएंगे छोड़े ही कोई गहलोत छोड़े कैंडिडेट तारे कितना कांग्रेस से बात कराए फिर बीजेपी से बात करा कितना कैंडिडेट मैदान कांग्रेस को तो कोई कैंडिडेट है कोई ना राजकुमार जी बस वो एक कैंडिडेट है बीजेपी का 5-6 थाना बार बताया है ना एक बार बताओ तो मार्गदर्शन कौन सुनिया बीजेपी का वीरपाल सिंह विक्रम अच्छा। जाखड़ रवि सैनी उमेंद्र चारण अच्छा। और एक वो इंदौरियो अभी को नाव पूरा कौन दे रहा हूँ इंदौरियो हाँ अच्छा इसी में बताओ कि चलो थे 5-6 नाम गिना दिए लेकिन अगर मैं थाने पूछूं कि इनमें से 2 नाम थाने लगे कि भाई अन्य टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है तो सर्वे को निकल अंदाजो मार दो चलो अंदाजो मारे विक्रम जाखड़ को रवि सैनी को यह प्रभाव अन कोई है तो अब कहते सुनने में यह भी आ रही बीच में कि रवि सैनी जी कहीं पे उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ने के मूड में वो कौन बेरो नेता ही कठे भाग जाए के करे को यो कोई बेरो पड़े तो इसी में तो दिगाल के अंदर जाए वोट परसेंट के हिसाब से रह जाए मतलब जाटा कोबड़ की बात पिछली बार चुनाव में तो बीजेपी ने ज्यादा मिला। अच्छा और यूं गेल्डी बार चुनाव जहाँ कांग्रेस ने ज़्यादा मिला। अच्छा और अब का कोई माहौल को नहीं सब अपना आप में बड़ी ही जगह कैंडिडेट अच्छे लागो वो बिन वोट दे देंगे। अच्छा खेणो मतलब ये है कि डिगार गांव जो वो 71 कठिन भी कौन सा है कदे कदे बीजेपी को चल जा कदे कांग्रेस को चल जा। अच्छा मतलब जितना जगह का लोगों को अपना अपना काम अपनी जानकारी भी साफ हो जा सही बात है जाति वाति को कोई असर को ना चाहे कोई जाति को खड़े हो। अच्छा कोई असर मतलब ये है कि डिगाल जो गांव है वो आपको विधायक जाति का आधार पर कौन चुना है तो क्या आधार पर चुनो विकास का आधार पर चुनो या फिर आपको नेता का आधार पर चुना है वो विकास का आधार पर चुनो ज्यादा करके तो देखो कहने की बात है आदमी का अपना अपना सबका स्वार्थ है अपना स्वार्थ की पूर्ति हो। चलो एक सवाल दरअसल और ले लूं खेल आ गई बार कौन जीता को कांग्रेस से जीतेगा बीजेपी से जाओ ये टाइम तो कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है। हाँ जी राम राम जी राम राम जी मैंने बताओ कि नवलगढ़ के विधानसभा का जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं डिघाल को क्या माहौल है इस बार कांग्रेस को टिकट किन लागे धन किन मिलेगी अयो 700 पे आ गया अंदाज बताओ तो बिम्बा तो देने था बात ही ना फोन तो के बिरो तब तो ज्ञान तो कोई ना लेकिन कांग्रेस उठा जाता है और उसको है कांग्रेस से किन मिल रही टिकट कांग्रेस को तो कोई नहीं साहब अभी गुंबेरो हां देखते बिरो की कांग्रेस जीतेगी है तान थारो तान के लगा है मंत्र साहब की गुंबेरो सुबह जवान धंधा भरा बा तो वोट तो देगा कोई ना कोई ना वोट मारा तो गुपचुप में जाएगा गुपचुप में देगा कुछ वोट में लास्ट का बताया ना 10% वोट में हवा देख की मैं तो नहीं ही बताला मैं तो सबका हाथ सबका कांग्रेस उठा सोनी हाँ धंधो करा हाँ थाना बताओ जो भी है चुप को मार दिया कोई ना महसूस हो वैकेंट दिया सही बात है गांव राम एक गांव का आजकल भी वो चीज भी हो गांव राम जो खरीदे बड़ी नहीं हो जाए हाँ तो जी राम राम हाँ जी ये कह रहे हैं कि गांव को बड़ी नहीं देता तो बस वो ही ठीक है तो वो ठीक है के लागत था ना बगड़ा कौन जीता को राजस्थान का मैंने अशोक लो जीता को और कौन जीता अशोक लो जीतेंगे मतलब जीत रहे हैं पहले से ही तो जगह और की कुर्सा है था के काम बढ़िया कराए के बाद चोखा लागे ही या हम उम्र ही वो कारण है रोज की फोटो तो आवा है की हां फोटो रोज की आवा तो बस हैं भाई योजना भी खूब सारी लेके हैं बगड़ा रोज के रुपया बांटे हां
और के जाए जनता के की बता रहे हो रात नहीं कौन सो रात नहीं 2 बजे बैठे जाऊं अच्छा मैं हमारे घर पर की काम है वैसे भी को कोई जान पेंसिल है वो है तो मैं 2 बजे मैसेज आऊं गलत सोई मन रात सोई मन रात नहीं बैठा है कि के के आग लग गए जोगे थे ही थकोगा मैं कौन थकूंगा देतो देतो ऐसे थे मांगना थक जाओगा तो 2-4 करोड़ मांग लो ना योजना में क्या है बा बेड़ा करके क्या करना और कोई मार ले जाओगे वो पर जो खेतड़ी मार का अच्छा बुढ़ा बुढ़ी नवा पठान जब भेड़ा मांग ले और कोई मार के कोई जाको लड्डू कितना रहे हो दिल्ली में आ गए ना तो क्यों खेख रहे हो राजस्थान में रहेगा बस राजस्थान राजस्थान में रहेगा दिल्ली में जाएगा लगा प्रधानमंत्री बन जाएगा बस सरकार आ जाएगी भी 8000 जाएगी दिल्ली में जाएगा भी थोड़ा और बढ़ जाए सुनो और सुनो बढ़ जाए अभी सुनो कमजोर हो कमजोर हो रही है वो बैठे ना देख रहे बैठे हुए मोदी मोदी काम कौन करेंगे काम कराओ चाहे काम का मतलब मेरा की नहीं ना की फायदा है डिगाल में मोदी के कराए या भी का जो बीजेपी का सांसद है चलो एमएलए तो नहीं है सांसद है बीजेपी को भी डिगाल में के कराए पूछा तरह थे मोदी घड़ो विकास कराए बिल्कुल बंद हो रसगुल्ला चाहिए खान ने विकास क्यों नहीं चार मेयर रोड जोड़ रहा की मोदी जोड़ी से रसगुल्ला दे देना काम मानेंगे तो जना मानो खा के सजा आपका अच्छा तो ये क्या कह रहे हैं रसगुल्ला दिया काम मानो बोलो थे तो मोदी को काम मानो को नहीं तो मोदी मानने तो कह रहा नहीं मानना मैं तो मोदी मेरा 30 साल गुजरात में रिया जितना बढ़े खेल रही हो अच्छा तो इसमें बताओ कि कैंडिडेट अब कितना है बीजेपी से कांग्रेस से कितना कैंडिडेट अब के बेरो पड़े कैंडिडेट नाम तो सुनता होगा तो कोई सुना चलो चौधरी है कांग्रेस का तो तीन महीना पहले टिकट दे देंगे आपका अच्छा ना तीन महीना पहले बेरो प्रजा को देखा कौन सो ठीक लगे था नहीं पर की को आओगे विधायक कांग्रेस को आओगे बीजेपी को आओगे कांग्रेस को आओगे कांग्रेस को क्या बता रहे हो नोलगढ़ से तो कांग्रेस को आओगे अच्छा आज लिख ले जाओ और जो कदे आओगे तो बता दूंगा मंडावा जोड़ लो नोलगढ़ उदयपुर वाटी ये तो चारों पक्की कांग्रेस की हैं और कोई कटे कोई गड़बड़ हो जाए तो बुलाई अच्छा तो उदयपुर वाटी में किन मिलेगी टिकट कांग्रेस को भी नहीं मिलेगी बंद गेड़ी साल को नहीं मिली गेड़ी साल को नहीं मिली अब कैसे देगा अब तो देगा आपका बसों को लेंगे वह ना तो ये तो कह रहे हैं कांग्रेस ही कांग्रेस बताए चारों मेरे कांग्रेस ही कांग्रेस है मोदी को काम ही कौन कराए ये एरिया में हनुमान बड़ी वाल की ज्यादा होंगी सीट अब गए अच्छा तो आरएलपी को भेजे को दावेदार नोलगढ़ से घणाई है घणाई है दो बन भी वोटिया बन ही देंगे मैं तो क्या लगा जीत भी जाएंगे जीत न जीता तो टक्कर में आओगे ना टक्कर में आओगे अच्छा तो क्या लगा ये बात है कांग्रेस जीतेगी बीजेपी आरएलपी आम आदमी कई पार्टी आ रही है तो क्या पूरे राजस्थान में गए राजस्थान में तो बीजेपी की बनेगी सरकार बीजेपी बनेगी सरकार मुख्यमंत्री कौन आओगे मुख्यमंत्री को ठाई गुने ठाई गुने तो आप देख रहे हैं कि कुछ युवा शक्ति और मौजूद अभी आप जानने बनाता होगी युवा शक्ति को एक बार की तरफ माहौल है क्या लगेगी नोलगढ़ की सरकार खड़ी जाती दिखाई दे रही है नोलगढ़ से तो माननीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा ही विजय होगा अच्छा क्या कारण है कारण काम खूब कराया साहब अच्छा दिघाल यहाँ की मतलब नोलगढ़ की लास्ट पंचायत है मैं देखो तो प्रथम पंचायत है खूब बजट दियो है अच्छा गांव का माइन जाए अगर गांव के मैन चौक की भूमिका देखो तो थाने इंटरलॉक दिख रहे हैं बेबी आके देना है फिर जहाँ सड़क वगैरह और है अच्छा बेबी खूब है बी के पाछे ग्राउंड है तो ग्राउंड का माइन जहाँ जिम वगैरह है बेबी पूरी बैकग्राउंड नोलगढ़ में बीजेपी की सरकार लास्ट टाइम कद आई बीजेपी को बीजेपी के साहब में तो मेरे हिसाब तो अभी तक तो कांग्रेस ही आ रही है अच्छा तो बीजेपी की आई क्यों ना थे अभी को कंपेरिजन क्या करे कि भाई कांग्रेस बढ़िया है तो भाई अगला काम बढ़िया करवा रहा है और है जना अब दूसरो ऑप्शन है जब अगला दे रहे ऑप्शन है कि बढ़िया अपन एक ही एक वैरायटी बढ़िया काम दे रही है तो दूसरा ना अपन लेने क्या ले अपन बढ़िया काम विश्वास तो और के जब अपन काम बढ़िया से बढ़िया मिल रहे है सागेड़ो जना अपन दूसरा क्या ले चुनना है पाछे बिल्कुल तो अपन देख रहे हैं कि डिगाल को जो गाँव है अभी के अंदर हर पार्टी के बात कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आरएलपी से भी कोई आ सके है और आम आदमी पार्टी को भी कुछ नाम ले रहे हैं और कैंडिडेट जी की मेन बात यह है कि नोलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से काफी सारा जगह कैंडिडेट ही कांग्रेस से ज्यादा कैंडिडेट का नाम कौन बता रहे हैं डिगाल का जगह लोग ही लेकिन बताएं कि बीजेपी से जगह पे काफी सारा कैंडिडेट मैदान के अंदर ही और वोट परसेंट जो है वो कुछ को मानना है बीजेपी को कुछ को मानना है कांग्रेस को अगर थे भी नोलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हो के थाना लागे कि बार नोलगढ़ की जो सरकार है नोलगढ़ कोई विधायक है कौन सी पार्टी को थाना तो दिखाई दे रहे हो टिकट थाने के लागे कि किन मिलेगी तो मैंने कमेंट्स में जरूर बताओगा वीडियो शेयर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तरह प्यार यहीं बनाए रखो।